नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे अनलॉक 2 पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में। कोरोना वायरस के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अनलॉक 2 घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए, जो 30 जून को अनलॉक 1 के पूरा होने के बाद 1 जुलाई से लागू हो रहा है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी अभी बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन्हें खोलने की तारीख स्थिति के आंकलन के बाद अलग से तय की जाएगी। निषेध क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियान्वयन जारी रहेगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू में और ढील दे दी गई है। दुकानों में उनके क्षेत्र के आधार पर एक बार में 5 से अधिक लोग हो सकते हैं, हालांकि उन्हें उचित भौतिक दूरी रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। उपायुक्त ने बताया कि आज दिनांक 1 जुलाई 2020 को दंड प्रक्रिया सहित की धारा 144 के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं। आदेश नंबर 1, कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अच्छा किसी भी व्यक्ति का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल यानी स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभाघर, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे। 4, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी। कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने और लोगों को जिंदगी बचाने के लिए पिछले 3 महीने से लॉकडाउन किया गया था। देश के कुछ खास हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण देश अब अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण आज भी लोग घर बंदी में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और मॉल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए अलग से अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन, देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिकों का आवागमन, विशिष्ट लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों को निकालना, समुद्री उद्देश्य कार्य SPO के अनुसार जारी रहेंगे। किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जारी अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के तहत हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 26 जुलाई तक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगी। इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु के लोगों, किन्हीं बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बेहद जरूरी काम और स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 31 जुलाई तक बंद रहेगी। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आदेशों में तहत छात्रों को ई लर्निंग स्टडी जारी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर्मचारी कामकाज करेंगे। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 में जहां सरकार की ओर से कई रियायतें दी जा रही हैं, वहीं आम जन की भी जिम्मेदारी है कि वो गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, तभी महामारी को मात दिया जा सकता है।
धन्यवाद। देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।